अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ अपने शेप्स शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ कर ली हैं, क्योंकि वेदर रिपोर्ट ये बता रही थी कि बारिश होगी अभी शुरुआत के कुछ दिनों में इधर इस वीक के सैटरडे संडे वीकेंड्स पर और आगे भी दिखा रहा है। तो मैंने सब शेप्स प्रिपेयर करके रख ली हैं ड्राई करके। आज सनी था थोड़ा सा दिन, तो प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड साउंड को जो है निगलेक्ट करें। एक्चुअली वो पड़ोसियों की तरफ से और सब तरफ से आती रहती हैं, क्योंकि अब किसी को मना तो कर नहीं सकते हैं कि आप बोले ना हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस वजह से प्लीज़ उसको नज़रअंदाज करें। तो ये मैं स्टार्ट करती हूँ, ये है मेरा प्योर सीमेंट। तो ये है जी हमारा प्योर सीमेंट, ये मैंने सुबह ही इसका एक ट्यूटोरियल वीडियो भी बनाया था, तो इसे मैं अपलोड कर दूँगी। ये ड्राई हो चुका है, ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा बना है, एकदम डस्टी भी है और सॉफ्ट भी है, बहुत अच्छा बना है ये। तो ये मैंने सोचा कि आपको डेमो दिखा दूँगी इसका, तो इस वजह से ये मैंने कुछ बॉल्स प्रिपेयर कर ली थी। देख रहे हैं आप कितनी सॉफ्ट बनी है, इसका ट्यूटोरियल भी दिया था मैंने, बनाया है सी, बहुत सॉफ्ट बना रही है और बहुत अच्छा है। ईजिली आप इसे होल्ड भी कर पाएंगे और क्रम्बल भी अच्छे से होगा। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं। मैंने सारे शेप्स बना बना के अपने रूम में रख दिए हैं ताकि वो ख़राब ना हो। ये मैं अभी वीडियो शूट करने जा रही थी, तो ये सैंड प्लस सीमेंट है और इसमें कंक्रीट है। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं शूट करने जा रही थी, प्लांट्स के पास में ट्राइपॉड रखा हुआ है, तो मैं चल के दिखाती हूँ। प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करें, गर्मी इतनी हो रही है कि पेड़ भी ख़राब होते जा रहे हैं। तो यू कैन सी ये पेड़ एकदम ड्राई होने लगे थे, तो इसे उठा के अंदर रखा हुआ, ना बाहर रखे हुए थे। ये सब अंदर रखे हुए हैं, देखिए इतने हैवी पॉट्स हैं। इसको मम्मी के साथ मिलकर अंदर करवाया मैंने, सब एकदम ड्राई होते जा रहे हैं, जल गए हैं धूप की वजह से पेड़। गर्मी बहुत हो रही है, इस वजह से ये हाल है पेड़ों की। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर फ़ैन चलता रहता है ताकि ड्राई होते रहें। वैसे तो मैंने ये सारे टेक्सचर्स ड्राई करके रखे थे कि क्या होता है ना, बाहर बना लिया एकदम से मौसम का पता चला तो अंदर उठा के रखने पड़ते हैं, तो ये कुछ इस तरह से डैमेज हो जाता है। देखिए इतने मेहनत से शेप्स देती हूँ, फिर अंदर ला के रखो तो ये डैमेज हो जाते हैं। ये जो लाने में टूट गए हैं इसका स्टफ़ है, पर ये डस्टी बहुत है। मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे। इसमें कंक्रीट ही और सीमेंट और कुछ भी ऐड भी नहीं किया मैंने, इसमें थोड़ा सा सैंड ऐड किया था जस्ट फॉर बाइंडिंग। तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा डस्टी है ये। और ये चारकोल का है, उसमें मैंने वाइट स्टोन्स ऐड किए थे, ये वो स्टोन्स हैं। हाँ, स्टोन्स इसमें अभी थोड़ी कम है क्योंकि एक्चुअली मुझे मिल नहीं पा रहे थे, थोड़ा ही मिला। तो मैंने जितना मिला मैंने सोचा उतना ही ऐड कर देती हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये पोर्शन भी है। बाकी चारकोल अलग रखा हुआ है, उसे मैंने प्रिपेयर करना है अभी, इसको पीसना है, क्रंच करना है। तो ये इस तरह से कुछ चारकोल के चंक्स हैं, ये जो ब्रेक हो जाता है उठा के अंदर लाने में, ये वो हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा डस्टी है चारकोल। ये वाइट स्टोन्स हैं इसमें, ये बड़े वाले हैं, छोटे वाले मुझे एक्चुअली मिल नहीं पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, मैं आपको और दिखाती हूँ। ये प्योर मड है, ये टोटली प्योर मड है, ये सारा प्योर मड है यहाँ से यहाँ तक। तो ये प्योर मड है, मैं इसका भी दिखा देती, बट ये मैंने कल ही बनाया। अगर से आप बोलेंगे तो मैं इसका भी आपको ट्यूटोरियल दे दूँगी। ये प्योर मड है, ये हर ड्राई हो चुका है, कल बनाया था, आज भर में अच्छे से ड्राई हो गया। बट ये अभी बिग स्लैब्स हैं, तो अंदर का कुछ थोड़ा सा पोर्शन इसका आई नो कि गीला होगा अभी भी। वैसे तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं एकदम अच्छे से,
ये जो बच जाता है मटेरियल इसका मैं इस टाइप का कुछ बना लेती हूँ। एक ग्लास बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। एक हाथ से क्रम्बल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, इससे दिखाती हूँ आपको तोड़ के। ये देखिए जी, तो इस तरह से ये मड है, बहुत डस्टी है ये। अभी लाइट की वजह से ना कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है, बट काफ़ी ज़्यादा डस्टी है ये। जब मैं इसकी वीडियो शूट करूँगी तो देन आपको दिखेगा, बहुत डस्टी है ये। थोड़ा बहुत आ रहा है कैमरे में बट उतना ज़्यादा अभी भी नहीं आ रहा, क्योंकि फ़ैन चल रहा है ना, तो डस्ट कैप्चर नहीं हो पा रही है फ़ैन की वजह से। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। ये है मेरा सैंड में, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जो मैंने ड्राई वाला वीडियो अपलोड किया था, ये वही है। मैंने इसकी ये शेप्स दी हैं, इसका मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसमें साउंड ही नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट अगर से आप लोग बोलेंगे तो इसका भी ट्यूटोरियल मैं दे दूँगी। तो ये सैंड प्लस सीमेंट है, और इसमें थोड़ा सा कंक्रीट मैंने ऐड किया हुआ है। मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाह रही हूँ, आपको दिखा तो दूँ बट शेप्स इसकी ख़राब हो जाएंगी, इस वजह से मैं नहीं दिखाना चाह रही थी। आपने हालांकि वीडियो में तो देखा ही होगा आपने कि कितना ज़्यादा डस्टी है, बहुत डस्टी है ये। इसे मैंने बहुत मेहनत से ऐसा बनाया हुआ है, सॉफ्ट ही बनता है ये हमेशा, कि मैंने इसमें बहुत सारी सीमेंट ऐड की थी बट ये देन टू सॉफ्ट ही बनता है। वैसे सॉफ्ट रखती भी हूँ, सॉफ्ट अच्छा लगता है इसका क्रम्बल करना। तो नेक्स्ट आते हैं, ये रेड डर्ट है, इसमें मैंने इतने बार में वीडियो बनाया, मैंने इससे सीमेंट नहीं ऐड की थी, बट अभी इस टाइम क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इसके चंक्स मैंने बनाए, सॉफ्ट थी, तो मैंने सोचा कि इसमें सीमेंट ऐड करते हैं। मैंने सीमेंट ऐड की तो क्या हो गया कि सीमेंट ऐड करने से ये इस तरह का थोड़ा सा वाइट वाइट हो गया, आई डोंट नो कैसे हो गया बट हो गया। तो फिर अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट ये जब ब्रेक होगा तो वापस से वैसे ही हो जाएगा। ग्रिटी रेड डर्ट है ये हमारी, ग्रिटी रेड डर्ट, इसमें सीमेंट ऐड की हुई है मैंने, तो ये इस वजह से ऐसा है। अच्छा बना है ये, अच्छा ये निकालने में कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक हो जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये पूरा रेड डर्ट है। ये लास्ट का पोर्शन था तो ये ज़्यादा रेड रेड बना है, और वो वाला मैंने पहले निकाला था, इस वजह से वो ऐसा है शायद, पता नहीं मुझे कैसा हो गया ये। बट ये जब ब्रेक करूँगी ना, क्रम्बल करूँगी तो सही हो जाएगा आई थिंक। ये पॉलीफिन पे बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर से आप कोई गीली मटेरियल बना रहे हैं तो ऐसा, मतलब गीला गीला करके पानी ज़्यादा हो है उसमें, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसे ईज़िली ऊपर अपनी तरफ उठा सकते हैं। ग्रिटी है, ग्रिटी रेड सैंड है, इसलिए इसमें ये चंक्स हैं ब्रिक्स के। ये देखिए बहुत अच्छी है ये, क्रंची सॉफ्ट रेड डर्ट। अच्छी स्टफ है ये। उसके बाद में ये सारा है, अभी मैंने नया नया स्टार्ट किया है ना, तो इस वजह से ये थोड़ा सा कम कम सब है, बट इंशाल्लाह प्रोग्रेस हो रही है। ओके, तो ये है हमारी वाइट सीमेंट, प्योर वाइट सीमेंट, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी है ये भी, ये मेरी मम्मी ने टेक्सचर प्रिपेयर किया मेरे लिए। मैं रेड डर्ट बना रही थी, मेरे हाथ एकदम बिजी थे, मम्मी ने बोला मैं प्रिपेयर कर देती हूँ, तो ये मम्मी ने अपने हिसाब से वाटर वाटर सब डाल के इसको रेडी कर दिया, और ये बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें इस तरह के लम्स हैं जो कि ईजिली एकदम ब्रेक हो जा रहे हैं, इस तरह के ग्रिड्स। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें चारकोल है, ये मैं ख़ुद लेकर आई हूँ मार्केट से, क्योंकि मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है बड़ा, मेरे पापा बाहर हैं और भाई भी नहीं है कोई बड़ा, तो मुझे खुद को ही जाना पड़ता है हमेशा सब जगह। तो मैं कल गई थी, ये चारकोल लेकर आई हूँ। इतना उधर का एरिया प्लीज़ उसको अवॉइड करें, वहाँ पे सब शेप्स वगैरह रखा है,
कंक्रीट सब रखा हुआ है। तो जी ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्लीज़ सपोर्ट करें, अच्छे से सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।